दोस्तों, जैसे कि आप सभी हमारे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हमें भी सचिव की जानकारी के बारे में बताइए कि विकलांग पदों पर कौन कौन से जिले में भर्ती है, कि हमारे रीवा जिले में निकली या नहीं, हमारे अलीराजपुर जिले में निकली कि नहीं, या आप अन्य जिलों की कमेंट करते थे कि इस जिले में निकले, जब जरूर बताना। तो दोस्तों, आज जो है वो मध्य प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जहां पर सचिव की भर्ती निकल चुकी है, तो उसकी हम जानकारी देने वाले हैं कि को किस दो जिले में दिव्यांग सचिव की भर्ती निकले दिव्यांगजन पदों पर। तो चलिए जानते हैं उन दोनों जिलों के बारे में, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना वो भी बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा हर एक अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए, दो कौन कौन से जिले हैं, पहला अगर हम जिले की बात करें तो दोस्तों पहला जिला हमारा अलीराजपुर हो जाएगा। ठीक है, पहला जिला कौन सा हो जाएगा हमारा, अलीराजपुर। तो यहाँ पर चलिए हम अलीराजपुर, आपको गूगल पर लिखना है अलीराजपुर। अलीराजपुर लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, यहां पर आपके सामने जो है वो अलीराजपुर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब हर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट रहती है। आप अलीराजपुर जिला लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे, यहां पर आप अलीराजपुर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना, आप ऑफिशियल पेज पर ओपन हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप ऑफिशियल पेज पर ओपन हो जाओगे, आपको कुछ देर वेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हम आ चुके हैं अलीराजपुर जिले के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पर आपको नोटिस का ऑप्शन दिख रहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं अलीराजपुर जिले की। यहाँ पर आपको नोटिस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर भर्ती का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिव्यांग पंचायत सचिव के रिक्त पदों की विज्ञप्ति के संबंध में यहाँ पर 3/12/2024 को आवेदन नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और आवेदन भी आरंभ हो चुके थे, और इसके लास्ट डेट 13/12/2024। इस पर आपको क्लिक कर देना, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसे थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको देखने में आसानी हो, वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वेबसाइट हमने बता दी कहाँ से डाउनलोड होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इसे जूम कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पूरी जानकारी देखने मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पंचायत सचिव के लिए योग्यता क्या क्या रहेगी, आपकी आयु 18 वर्ष से 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अधिकतम 45 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, आवेदक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो, आवेदन पर आवेदक का निष्पक्ष का डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि UIDAI आपका होना चाहिए, और आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में उल्लेखनीय की गई जानकारी एवं संलग्न किए गए दस्तावेज का परीक्षण करने के दौरान अथवा नियुक्ति के पश्चात किसी प्रकार की शिकायत आपत्ति होने पर, जांच उपरांत शिकायत आपत्ति सही पाए जाने पर आवेदन निरस्त या दुरस्त कर दिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो आवेदन वो है वो दुरुस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पंचायत सचिव पद हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का नियम अनुसार एवं एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी एवं जिले की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर एक एक पद के लिए सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकतम 10 अभ्यर्थी को मौखिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मौखिक साक्षात्कार उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट सूची तैयार कर क्रमानुसार चयन किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को जिले के किसी भी जनपद पंचायत की रिक्त ग्राम पंचायत में गृह पंचायत को छोड़कर पंचायत सचिव के पद पर मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें नियम 2011 के तहत नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर संबंधित को ग्राम पंचायत में उपस्थित प्रदान करना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पूरी जानकारी, यहाँ पर आपको जो आप आवेदन पत्र है ये आपको भर देना। अगर आप हमारे साथ कमेंट करते हैं, हमारे वीडियो में जिसके साथ ही कमेंट करते हैं कि इसकी एक पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो बनाइए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, किस पर कितने अंक मिलने वाले हैं, आवेदन किस प्रकार से करना है, एक A to Z जानकारी हम आपको बनाकर देंगे अगर आपके कमेंट आते हैं, तो एक एक जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझाई जाएगी। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों आपका अलीराजपुर जिले का नोटिफिकेशन। दूसरा जिला अगर हम बात करें तो भिंड जिले वो सॉरी झाबुआ जिला है, तो यहाँ पर आपको झाबुआ सर्च करना है। ठीक है, झाबुआ जिला, तो यहाँ पर हम झाबुआ जिला लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको झाबुआ लिखकर सर्च कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं झाबुआ जिले की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। मध्य प्रदेश के टोटल 55 जिले और सभी 55 जिलों की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको पूरी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको फिर से नोटिस वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर आपको
चले जाना है भर्ती वाले ऑप्शन पर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग पंचायत सचिव के पद की विज्ञप्ति के संबंध में, यहाँ पर आप ये 28/11/2024 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 15/12/2024, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ से नोटिफिकेशन प्राप्त आपको जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर आपको A to Z देखने को मिल जाएगी, एंड इसका भी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म आपको सबसे PDF के सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और आपको ये देखना है कि अगर आप दिव्यांग है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप दिव्यांग है तो आवेदन कर सकते हैं, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ये जरूर हम आपको उस वीडियो में बताएंगे कि आप पूरा वीडियो हमने जैसे कि पहले बताया कि A to Z हम जानकारी देंगे, एक एक स्टेप पर बात करेंगे कि आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, योग्यता किस पर आधार पर कितने नंबर मिलने वाले। तो यहाँ पर हमने दो जिले का आपको नोटिफिकेशन बताया, पहला जिला आपका अलीराजपुर और दूसरा झाबुआ जिला, इन दो जिले का आपका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। इन दो जिलों का आपका दिव्यांग पंचायत सचिव के पद पर हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लगा आपको जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दी इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।